हेलो फ्रेंड, मैं हूँ स्नेहा। स्नेहा शर्मा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाऊँगी जो बेसन और आलू से बनकर तैयार होगी। तो इसके लिए 3 टेबल स्पून बेसन ले ली हूँ। उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। बहुत तीखी है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। उसके बाद 1/2 टी स्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार, तो 1/2 टी स्पून नमक। सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पतला सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो इसका बैटर पतला ही होना चाहिए, यहाँ पे गाढ़ा बैटर का यूज नहीं करना है। पतला सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इतना ही पतला बैटर बनाना है। तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती, थोड़ी सी कलौंजी जिसे मंगरेल भी कहते हैं, और थोड़ा सा अजवाइन, बिल्कुल 1/2 टी स्पून डाल देंगे। डालकर इन दोनों को डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे नाश्ते में। तो दोनों को डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बेसन का बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो इसे साइड कर दी हूँ। और ये 4 आलू ले ली हूँ, तो मीडियम साइज़ के 4 आलू हैं। इसे अच्छी तरह से बॉईल कर ली हूँ और छिलका उतार ली हूँ। अब इसे ग्रेट कर लेते हैं। अब चाहे तो हाथ से मैश भी सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही बारीक मैश होना चाहिए, इसलिए मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो देखिए, सभी आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर ली हूँ। उसके बाद गैस ऑन कर ली हूँ। गैस पे एक बर्तन चढ़ा देंगे। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून सरसों तेल का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो सरसों तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हमने जो बेसन का बैटर बनाकर रखा है उसे डाल देंगे। इसे डालकर लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा होने लगती है, बेसन है इसलिए। तो इस तरह से इसको लगातार चलाते रहें और गैस का फ्लेम मीडियम रखें। मीडियम फ्लेम पर ही इस प्रोसेस को करना है। तो इस तरह से इसको चलाते रहेंगे और ये बिल्कुल गाढ़ा होकर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है बेसन। तो जब बेसन अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद इसमें आलू का यूज करेंगे। तो देखिए, बेसन इकट्ठा होने लगा है एक जगह, देख सकते हैं। बेसन बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो इसी तरह इसको चलाते रहें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो देखिए, बेसन गाढ़ा हो चुका था। उसके बाद आलू डाल दी हूँ। आलू डालकर भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये मिक्स भी हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा चलाते रहें, गैस का फ्लेम लो कर दें। जब आलू डालें तब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर ही बेसन के साथ आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, आलू और बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, एक जैसा दोनों दिखने लगा है। तो ये हमारा बैटर बनकर तैयार है। तो बस 1 मिनट और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको निकाल कर किसी भी बर्तन में आप इसे सेट कर लें। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया। गैस बंद कर दी हूँ और चलते हैं इसको सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए सबसे पहले एक मैं इस तरह का थाली ले ली हूँ और उसमें थोड़ा सा 1/2 टी स्पून सरसों तेल ही डाल दी हूँ। डालकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम नाश्ता इस पर डालें तो अच्छे से निकल कर आए। तो अच्छी तरह से ग्रीस कर ली हूँ और उसके बाद सारा जो हमारा बैटर है इसमें डाल देंगे। सारे बैटर को चम्मच की हेल्प से इस तरह से डाल दें। सभी को डाल देंगे, उसके बाद चम्मच की हेल्प से ही इसको अच्छे से एक जैसा बना लेंगे। तो इसे यहाँ पे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ ताकि कट कर के जब नाश्ता बनाए तो बहुत ही अच्छा बने। तो इस तरह से आप चाहे तो चम्मच में पीछे की साइड थोड़ा सा तेल लगा लें। तेल लगाने से बहुत ही आसानी से हमारा नाश्ता सेट हो जाता है, चिपकता नहीं है। तो देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देख सकते हैं, अच्छे से सेट कर ली हूँ, बिल्कुल अच्छे से एकदम ऊपर से चिकना कर लेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। ये जब गर्म होगा तभी इसको सेट करना है, ठंडे होने में ये अच्छे से सेट नहीं होगा। तो जब ये ठंडा हो गया उसके बाद इसके पीसेस काट लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसके पहले तीन कट लगाती हूँ और उसके बाद इधर से भी 3 कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर शेप में हमारा नाश्ता कट कर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखिए, एक एक पीस उठाकर दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। एकदम अच्छे से पूरे
तो इसी तरह से सभी नाश्ते को इस तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद इसको सेलो फ्राई करेंगे। तो सभी को निकाल लेती हूँ, तो चलते हैं अब इसे सेलो फ्राई करते हैं। तो सेलो फ्राई करने के लिए गैस पे तवा चढ़ा दी हूँ, गैस ऑन कर ली हूँ और इस पे सरसों तेल डाल देंगे। तो 3 से 4 टेबल स्पून सरसों तेल डाल दें, इससे इतने तेल में ही फ्राई हो जाएगा। तो इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसे सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से पैन पे तेल फैला देंगे और उसके बाद एक एक करके सभी नाश्ते को डाल देंगे। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इस पे नाश्ते को डालें धीरे धीरे, ताकि तेल के छींटे ना पड़े इसलिए। तो सभी नाश्ते को इस पे डाल देंगे और उलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो सारे नाश्ते को डाल दी हूँ और 2 मिनट इसको एक साइड से अच्छे से पकने देंगे, उसके बाद ही इसको पलटेंगे। 2 मिनट हो चुका है, तो अब एक एक करके धीरे से इसको पलट लेंगे इस तरह से। बहुत ही आसानी से पलट भी जाती है, बहुत ही कम तेल में बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है और ये ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब भी नहीं करती है, इसलिए। तो इसी तरह से सभी को उलट लेती हूँ और उसके बाद इस साइड से भी 2 मिनट इसको अच्छे से पकने देंगे। बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो एक बार इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी बनती है, सुबह शाम के नाश्ते में दें बच्चों को या लंच में दें, कभी भी बना सकते हैं, बड़े चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि बेसन से बना है, तो इसलिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी हमारा ये बहुत ही आसान नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए दोनों साइड से उलट पलट कर अच्छे से इसको ब्राउन होने तक सेक ली हूँ। तो अब इसे बाहर निकाल लेंगे, तो चलते हैं अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसको निकाल लें ताकि इसका सारा तेल जो है वो निकल जाए। देखिए इस तरह से पकाने से 2 मिनट में ही सारा तेल निकल जाता है, बहुत ही अच्छे से निकल कर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से सभी को निकाल ली हूँ और सेकेंड बैच भी इसी में डाल दी हूँ। तो इसे भी अच्छे से डाल दी हूँ और इसे भी ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया, तो चलते हैं अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप जैसे चाहें उस तरह से सर्व करें इसे। इसे मैं टमाटो केचप के साथ सर्व की हूँ, आप अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।